हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो आप लोगों के लिए फंडामेंटल आप सोशल साइंस का 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, आज आप लोगों का एग्जाम है, तो आप लोग जो क्वेश्चन आज पढ़ के जाएंगे उसमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका इसका PDF ग्रुप में मिल जाएगा। मृदा कुल आयतन का खनिज पदार्थ प्रतिशत कितना है? तो 25% मृदा कुल आयतन का 25% खनिज है। अगला देखते हैं, चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? तो अवसादी चट्टान के। अगला देखते हैं, अवली चट्टान कौन सी है? तो ग्रेनाइट माना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, USDA के अनुसार मृदा कण को कितने भागों में बांटा गया है? तो 12 भागों में बांटा गया है। पांचवा क्वेश्चन, ISS के अनुसार बालू के कणों का आकार कितना होता है? तो ISS के अनुसार बालू कणों का आकार 0.002 mm से भी कम होता है। अगला देखते हैं, ग्रेवल से कणों का आकार कितना होता है? तो 2 से 4 mm होता है। ग्रेवल से कणों का आकार 2 से 4 mm होता है। अगला देखते हैं, बाउल्डर के कणों का आकार कितना होता है? तो 256 mm से कम होता है। अगला देखते हैं, क्ले दोमट मृदा क्या है? तो बालू 20 से 45%, सिल्ट 15 से 53%, क्ले 27 से 40%, बालू दोमट मृदा है। अगला देखते हैं, प्लेटी संरचना किसमें पाई जाती है? तो वन वाली भूमि में। 20 संस्तर में प्लेटी संरचना पाई जाती है। वन वाली भूमि किसे कहते हैं? 20 संस्तर को, तो उसमें प्लेटी संरचना पाई जाती है। अगला देखते हैं, मृदा का वास्तविक घनत्व क्या है? तो कण घनत्व मृदा का वास्तविक घनत्व है। अगला देखते हैं, स्थूल घनत्व सबसे कम किसमें होता है? तो बालू में सबसे कम स्थूल घनत्व होता है। अगला देखते हैं, स्थूल घनत्व घटने पर उर्वरा शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अधिक हो जाती है उर्वरा शक्ति। इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने कराया भी है, फिर भी करा दे रहा हूँ। भूपरिश्रय के स्थूल घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम होता है। भूपरिश्रय के स्थूल घनत्व पर कम प्रभाव कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भूपरिष्करण के स्थूल घनत्व पर कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन, सिल्ट दोमट में रंध्रता प्रतिशत कितना होता है? तो 50%। सिल्ट दोमट में 50% रंध्रता प्रतिशत होता है। मृदा वर्णक्रम रंग का निर्धारण किसमें किया जाता है? तो ह्यू में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीकृत मृदा में आयरन की अधिकता होने पर रंग क्या होता है? लाल। ऑक्सीकृत मृदा में आयरन की रंग अधिकता होने पर रंग लाल हो जाता है। अगला देखते हैं, मृदा में N2 की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो 79.2%। अगला देखते हैं, मृदा में गहराई बढ़ने के साथ गैसों की विद्युतीय दर क्या होती है? कम होती है। गहराई बढ़ने में गैस कम होने लगती हैं। अगला देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण जल का मान वायुमंडलीय दाब कितना है? तो -1/3 से 0 तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अस्थायी मुरझान बिंदु का मान वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो -15 होता है। वीडियो जल्दी जल्दी बनाने का मतलब है कि जल्दी से आप लोग देख लेंगे। क्षेत्र धारण क्षमता का मान वायुमंडलीय दाब कितना है? तो 1-1/3 है। अगला देखते हैं, संतृप्त मृदा का वायुमंडलीय दाब कितना होगा? तो 0 mm। अगला देखते हैं, केसी जल का मान वायुमंडलीय दाब कितना होगा? -1/3 से -31 तक। अगला देखते हैं, मृदा का पैतृक गुण क्या है? मृदा उर्वरता मृदा का पैतृक गुण है। अगला देखते हैं, मृदा शक्ति की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो लैटिन भाषा से हुई है। अगला देखते हैं, मृदा के 10 से 20 mm ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो भूपर्पटी कहते हैं। अगला देखते हैं, यदि शीशी परत भूमि के ऊपर पाई जाए तो उसे क्या कहेंगे? बेसाल्ट परत। वर्मी कोलाइट का पृष्ठीय क्षेत्र कितना होता है? 500-700। अगला देखते हैं, हाइड्रोजन आयन व मृदा पीएच का संबंध क्या होता है? वितानुक्रमानुपाती होता है। हाइड्रोक्सिल आयन व मृदा पीएच का संबंध कैसा है? समानुपाती। अगला देखते हैं, एक अच्छी मृदा PBS कितना होना चाहिए? 60%। अम्लीय मृदा सुधार में कौन से क्या काम में लेते हैं? लाइम स्टोन, डोलोमाइट, बुझा हुआ चूना। तो उपरोक्त सभी ये सब मिला सकते हैं, और यदि ऑप्शन में सिर्फ चूना रहेगा तो चूना को भी लगा देंगे। देखते हैं 33 अधिक चूना चाहने वाली फसल कौन सी है? तो पालक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षारीय मृदा में घुलनशील लवण की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 0.1% कम। अगला देखते हैं, लवणी क्षारीय मृदा को क्या कहते हैं? तो लवणी क्षारीय मृदाओं को रेली ऊसर कहते हैं। अगला देखते हैं, चावल की कौन सी किम क्षारीय प्रतिरोधी है? तो IR8, पद्मा, पूसा 2, 21। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला देखते हैं, तरबूज की कौन सी किस्म में को क्षारीय मृदाओं में लगाया जा सकता है? तो उपरोक्त सभी शुगर बेबी, दुर्गापुर मीठा, दुर्गा लाल,
ऑप्शन नंबर डी से जो उपयोग सभी। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो केरल में पाई जाती है, सॉरी राजस्थान में पाई जाती है। अगला देखते हैं, भारतीय मृदा के मृदा विज्ञान के जनक कौन है? तो लीथेर है, भारतीय मृदा विज्ञान के जनक लीथेर है। अगला देखते हैं, क्षेत्र धारण क्षमता पर संतृप्त मृदा की तुलना में जल की मात्रा कितनी होती है? तो क्षेत्र धारण क्षमता पर जल के बराबर होती है। अगला देखते हैं, भूपर्पटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन भूपर्पटी में सबसे अधिक पाया जाता है। अगला देखते हैं, मृदा के किस संस्तर को कार्बनिक संस्तर कहते हैं? ओ संस्तर को। अगला देखते हैं, पेडोलॉजिक जनक कौन है? डाकुचेव। अगला देखते हैं, भारतीय मृदा एवं उपयोग सर्वेक्षण संगठन का नेशनल ब्यूरो कहाँ है? नागपुर में। अगला देखते हैं, पीड़ मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? 90%। अगला देखते हैं, ह्यूमस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ह्यूमिक अम्ल, फुल्विक अम्ल, एप्रोनिक वल। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 47वां प्रश्न देखते हैं, तरावन कृषि अवशेष में कार्बनिक और नत्रजन अनुपात कितना होता है? तो 20:1 होता है। अगला देखते हैं, सूक्ष्म जीव में कार्बनिक और नत्रजन अनुपात कितना होता है? तो 4.4:1 से 9:1 तक, 4:1 से 9:1 तक। अगला देखते हैं, मृदा के किस संस्तर को सब सॉइल कहते हैं? तो संस्तर बी को, बी संस्तर को सब सॉइल कहते हैं। 50वां देखते हैं, इलुवेशन संस्तर किसे कहते हैं? तो A2 संस्तर को। तो ये थे आपके कुल 50 क्वेश्चन जो मैंने आपको करा दिए हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।